नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शीर्षक कुमार चैनल में। मैं हूँ शीर्षक कुमार। आज मैं लेकर आया हूँ एलसीएम एचसीएफ का पार्ट टू में। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट टू में इस चैप्टर में एलसीएम एवं एचसीएफ से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो धाजिया उड़ा दो कॉन्सेप्ट से ठीक तक एलसीएम एवं एचसीएफ के पार्ट टू में। तो जैसे कि अभी तक मेरा एलसीएम का पार्ट वन नहीं देखे है तो जाए, मेरे चैनल का नाम है शीर्षक कुमार, सर्च करें और मेरे वीडियो को समझने के लिए शुरू से अंत तक देखें। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है बाबू एलसीएम गुने एचसीएफ। और या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ। तो अब जैसे एग्जांपल नंबर 1, दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 225 एवं 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम जानते हैं फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या px मान लीजिए और दूसरी संख्या qx बराबर एलसीएम गुने कितना होता है जी एचसीएफ, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो अब देखिए एलसीएम एवं एचसीएफ, एलसीएम कितना दिया हुआ है 225 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, और पहली संख्या आपका दिया हुआ है 25, पहली संख्या 5 दिया तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आप देखिए काटिए, यानी कि पहली संख्या कितना दिया हुआ है 25, तो अब क्या हो जाएगा जी 25 5 इकाई 520 2 से 2 पर 5 25 25, यानी कि qx बराबर दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 45, यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 907 एवं 32 है। यदि एक संख्या 192 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो हम दूसरी संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या बराबर स्वयं क्वेश्चन है, दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ बटे क्या हो जाएगा पहली संख्या होगा कि नहीं होगा, यानी कि दूसरी संख्या निकालने के लिए कह रहा तो पहली संख्या गुणा में तो भाग में आ जाएगा। एलसीएम कितना है जी 907 और एचसीएफ कितना है 32, पहली संख्या कितना है 192। देखिए 6 से कट रहा है, 6 3 18 2, 1 से 1 पर 2 12, 6 2 12। अब देखिए 6 3 6 3 पर 6 36, 6 7 36 0, 32 32 कैंसिल 160, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमेशा ये फॉर्मूला याद रखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। या आपसे एलसीएम भी पूछ सकता है या एचसीएफ भी पूछ सकता है, पहली संख्या या दूसरी संख्या, कोई एक डाटा आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का 45 गुना है तथा एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 1150 है तथा एक संख्या 125 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना, एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना, तो माना कि एचसीएफ क्या मान लीजिएगा जी आप एच, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है 45 गुना, तो 45 एक्स हो जाएगा। उसके बाद तथा एलसीएम एवं एचसीएफ का योग, एलसीएम एवं एचसीएफ का योग, एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है 1150। अब देखिए एलसीएम क्या माने है जी 45x प्लस एचसीएफ क्या माने है x, इसका योग कितना 1150, 45 से कितना हो जाएगा जी 46 x इसका योग 1150, ये गुणा में तो भाग में जाएगा कट जाएगा 46 25 25 बार में कट रहा है 1150, तो x बराबर कितना जी 25, x बराबर 25, तो आप एचसीएफ कितना आ गया जी आपका 25 और एचसीएफ कितना हो जाएगा 45, x का मान कितना 25, तो 1100 कितना हो जाएगा 25 गुणा करेंगे तो अब 1125
अब क्या कह रहा है जी, एलसीएम नसीब का योग 1150 है, तो एक संख्या 125 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर हम फार्मूला लिखा है, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएम बटे पहली संख्या। पहली संख्या यानी कि दूसरी संख्या क्यू एक्स, एलसीएम कितना है, एलसीएम आपका 1125 गुने एचसीएम कितना है 25 और बटे, पहली संख्या 125 है, अब 25 पंचे 125, 5 दुनी 10, 2 से 5 दुनी 10 एक शेष, एक शेष फिर 5 दुनी 10, 2 से 25, यानी कि दूसरी संख्या कितना हो गया 225 है, आपका क्या होगा टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का 24 गुना है तथा एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 600 है तथा एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, सेम क्वेश्चन है। तो अब दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 24 गुना है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ का 24 गुना है, तो एचसीएफ क्या मान लीजिएगा, माना कि एचसीएफ x तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी 24x, तथा एलसीएम एचसीएफ का योग, एलसीएम एवं एचसीएफ का योग, तो 24 और x दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा जी 24 और 1 25, दोनों का योग करें तो जोड़ देंगे 24 1 25, 25x बराबर कितना दिया हुआ है, एलसीएम एवं एचसीएफ का योग दिया हुआ है 600, एलसीएम एचसीएफ का योग 600 दिया है, तो x बराबर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 25 5 1 5 1 शेष 5 2 10 0, अब क्या हो जाएगा जी 5, फिर 5 से काटिए 5 2 10 5 2 10 2 शेष 5 2 20, x बराबर कितना आ गया जी 24, तो एचसीएफ आया आपका 24, तो x का मान कितना, x का मान 24, तो यहां 24 ही रख देंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576। तो क्या पूछ रहा जी आपका दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर x बराबर LCM गुने LCM कितना है, LCM आपका LCM आया 576, LCM कितना है आपका 24, और पहली संख्या कितना दिया हुआ है एक, यदि तथा एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा 72, 24 दिया 72, 3 1 3 2 शेष 2 पर 7 27, 2 पर 7 27, 3 2 7 27, 3 2 6, तो क्या हो जाएगा 100 92, दूसरी संख्या क्या होगा 100। नेक्स्ट पॉइंट, स अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स कहते किसे है उसके बारे में चर्चा करना है। तो वैसे दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो यानी कि 1 हो, उसे हम स अभाज्य संख्या कहते हैं यानी कि को प्राइम नंबर्स कहते हैं। को प्राइम नंबर्स कहते हैं, जैसे 1 और 4 का एचसीएफ तो 1 ही होगा, 12 और 13 का एचसीएफ 1 ही होगा, 5 और 8 का एचसीएफ 1 होगा, 7 और 9 का एचसीएफ 1 होगा, 15 और 16 का एचसीएफ 1 होगा, 17 और 19 का एचसीएफ क्या होगा 1, यानी कि वैसे दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ हमेशा 1 हो वह क्या कहलाएगा जी, को प्राइम नंबर्स यानी कि स अभाज्य संख्या कहलाएगा। स अभाज्य संख्या का नियम को प्राइम नंबर्स ऑफ रूल, यानी कि जब दो संख्याओं में उनके एचसीएफ से भाग दिया जाए तो परिणाम हमेशा स अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। जब दो संख्याओं में उनके एचसीएफ से भाग दिया जाए तो परिणाम हमेशा यानी कि रिजल्ट हमेशा क्या प्राप्त होगा, स अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में एचसीएफ से भाग दिया जाए तो क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो जैसे पहली संख्या 108 और 12 से भाग देंगे तो 12 9 18 से, और आप देखिए उसके बाद फिर क्या है, दूसरा संख्या 132 में कितना एचसीएफ से भाग देंगे तो 12 का 12 1 से 12 का 12, आप देखिए स अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हुआ, स अभाज्य
संख्या। सहभाग संख्या क्या क्या है जी? 9 और 11 है। 9 और 11 का एस्टेप हमेशा क्या होता है? 1 होता है। अब जैसे देखिए तो यह सहभाग संख्या कैसे निकलता पता चल गया, ये 1 4 कैसे आया है? तो दो संख्याओं में उसके एस्टेप से भाग दिया जाए तो सहभाग संख्या प्राप्त होगा। फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, फर्स्ट संख्या कितना है? 32, और एस्टेप में भाग देंगे तो 8 5 40। फिर 40 संख्या है, एस्टेप 8 है, तो 832 में होता है जी। 8 5 40, तो सहभाग संख्या क्या हो जाएगा? सहभाज संख्या क्या क्या संख्या आया जी? 4 और 5। 4 और 5 का एस्टेप हमेशा क्या होता? 1। नेक्स्ट पॉइंट, दो संख्याओं के अनुपात में, जब दो संख्याओं के अनुपात में एस्टेप से गुना करने पे संख्या प्राप्त होगा। जब भी अगर रेशियो दिया हुआ रहेगा, एससीएफ से गुना करने पर हमें संख्या प्राप्त होता है। जब भी अगर जन्म यानी कि रेशियो दिया हुआ रहेगा और एससीएफ दिया रहेगा तो एससीएफ से गुना करने पे संख्या प्राप्त होता है। तो दो संख्याओं का अनुपात 11:18 है, 11:18 है, यदि उनका एससीएफ 24 हो तो संख्या क्या होगा? यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या यानी कि रेशियो कितना है 11, और एससीएफ से गुना करने पर एससीएफ कितना दिया हुआ है जी? 24। तो आप 11:24 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा संख्या? और दूसरी संख्या भी निकाल लीजिए, दूसरी संख्या बराबर क्या? दूसरी संख्या कितना है जी? 18 गुने एससीएफ से गुना करने पर संख्या प्राप्त होता है। 11 और 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 24 4 6 2, यानी कि दूसरा कितना हो जाएगा? 64। अब 18 और 24 से गुना करिए, 18 और 24 से 8 4 32 हासिल 3, 4 4 8 16, 16 16 2 16 4 20, अब 20 3 23 हासिल 2 2 2 2 2 4, 400 कितना हो जाएगा जी? 432 है आपका, क्या हो जाएगा आंसर? यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 11:18 है, यदि उनका एचसीएफ 24 हो तो संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या 264 और दूसरी संख्या 425। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्या है, तीन संख्या 2:3:4 के अनुपात में तथा उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक 12 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा? यानी कि लोसा क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो तीन संख्या अनुपात में एचसीएफ से गुना करने पे क्या हमको प्राप्त होता है? संख्या प्राप्त होगा। तो पहली संख्या पहले निकाल लेते हैं, पहली संख्या 2 और एचसीएफ से गुना करने पर एचसीएफ कितना है? 12, तो 12 2 24। उसी तरह से दूसरी संख्या कितना है? 3:3 और एचसीएफ से मल्टीप्लाई करने पर तो 32 36। और तीसरी संख्या कितना है? 4। अब एचसीएफ 12, बच्चों की अर्थात अब कह रहा है कि संख्या ज्ञात करिए, तो ऐसे उनका एचसीएफ ज्ञात करते संख्या क्या क्या निकला? 24 36 और 48। 24 36 का एलसीएम लेंगे, 24 36 और 48 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1 4 4 144 है आपका क्या होगा एलसीएम। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं एलसीएम एवं एचसीएफ का पार्ट 3 में। बाय बाय।